श्री राधे राधे। भक्तों, कुछ लीलाएं ऐसी होती प्रभु की कि जिनका रहस्य जाने बिना लोग परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे बरसाना में लठमार होली, मैं आपको सुना रहा था कि किशोरी माता वहाँ पहुँची हैं और लठमार होली का दर्शन किया है, तो उनके साथ के लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये सब गोपियाँ मिल करके यहाँ के गोसाइयों को और ग्वाल बालों को क्यों इतना लाठी मारती हैं। तो जो भक्त लोग किशोरी माता के साथ आए थे, उनको माता ने फिर उनके अंदर जो जिज्ञासा हो रही थी भक्तों के अंदर, उसके समाधान के लिए बताया। भगवान श्याम सुंदर जी अवतार काल में बरसाना में एक समय श्री राधा रानी के साथ होली खेल रहे थे, तो उनके सखा भी समीप पहुंचने को तैयार हुए कि हम भी जाएंगे, लेकिन पहरे पर जो सखियां थी वो सावधान थी। उन्होंने उनके श्री चरणों में प्रणाम करके भीतर प्रवेश करना चाहा, किंतु सखियों ने रोक लगा दी। सखियों ने नहीं, प्रिया प्रीतम का जो चल रहा है होली का खेल, उसमें हर लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग नहीं जाओगे। प्रिया प्रियतम होली खेल रहे हैं तो हम कैसे उसमें जा कर के कुछ कर सकते हैं, वो बाधा पड़ जाएगी उनके प्रेम में, इसलिए सखी उन्हें जाने नहीं दिया, भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। जब वो जबरदस्ती करने लगे सखा लोग, तब गोपियां भी फूलों की छड़ियों से उन पर प्रहार करने लगी। ये उस समय की घटना भक्तों, जब प्रभु का अवतार काल था द्वापर में, तो लाठियों से नहीं मारा था गोपियों ने, फूलों की छड़ियों से, डंडियां थी जिनमें फूल निकले हुए थे, अर्थात किसी फूल के वृक्ष की टहनी थी जिसमें फूल खूब लगे हुए थे, तो फूलों से चोट तो लग नहीं सकती, केवल दिखाना था, डराना था कि हम डर छड़ी से मारेंगे तुम्हें, इसलिए तुम राधा कृष्ण के इस होली के खेल में प्रवेश नहीं करोगे, दूर रहो। और जब फूलों की छड़ियों से उन पर प्रहार करने लगी गोपियां, तो महाराज वो फिर भी वो नहीं पीछे हटे सखा लोग, हमको तो कन्हैया के हैं, हम कन्हैया के हैं तो कन्हैया के साथ तो रहेंगे। तो फिर सखियां और जोर से फूलों की जो डंडियां थी ना, छड़ियां थी, उनको सखियां और जोर से मारने का प्रयास करने लगी कि नहीं नहीं, तुमको हम प्रिया प्रीतम के होली के खेल में नहीं घुसने देंगे, तुम बाहर रहो। तो गोपियां मारती हैं डंडियों से, फूलों की डंडियों से द्वापर युग में, और सखाओं को रोक देती हैं। तो वो प्राचीन प्रथा अभी चली आ रही है, थोड़ा सा परिवर्तन ये हो गया कि पुष्प की छड़ियों के स्थान पर अब बड़े बांस के मजबूत लठ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन भाव वैसा ही आज भी विशुद्ध है। चोट लगाने के लिए नहीं होता है, केवल लीला होती है कि फूलों की छड़ियों से गोपियों ने भगवान के सखाओं पर प्रहार करके रोका था, उसी को दिखाने के लिए अब मोटी मजबूत लाठियां प्रयोग की जाती हैं, जिससे वो फूलों की छड़ी इतनी कहाँ से लाएंगे, टूट जाएंगी, इसलिए लाठी का प्रयोग करके अभिनय किया जाता है, मारा नहीं जाता, मारने की जैसे लीला रहती है। और सखा लोग जो
उसको सहन करते हैं ढाल उठा उठा करके, ढाल पर लाठियां बरसती हैं। भाव आज भी शुद्ध है, भाव में गड़बड़ी नहीं है, बस फूलों की छड़ी की जगह लाठी है। और इस खेल के बाद भक्तों बरसाने की जो सखियां होती हैं वो नंदगांव के झंडे को छीन लेती हैं। नंदगांव के जो गोसाई आए होते हैं, गोसाई मतलब सखा, आप समझिए भगवान के सखा लोग, नंदगांव के जो सखा आए होते हैं कन्हैया के साथ खेलने के लिए, तो उनको प्रवेश मिलता नहीं है। तो यहाँ केवल गोपी का प्रवेश है, सखाओं का नहीं है, इसलिए फूलों की छड़ियों से मार उन पर पड़ती है। तो बरसाने की सखियाँ नंदगांव के झंडे को छीन लेती हैं, सफल हो जाती छीनने में। ये लीला रहती भक्तों दुलठमार होली की है। तो माता किशोरी भी वो दर्शन करने आई थी, साथ में भक्त लोग आए थे और बहुत प्रेम से दर्शन कर रही थी माता। भक्तों ये घटना है 18 मार्च 1959 की, जब किशोरी जी उस दृश्य का दर्शन की थी। किशोरी जी उसके बाद प्रेम सरोवर में मज्जन करके स्नान करके फिर नंदगांव पधारी और मंदिर के बाहरी कोट की छत पर विराजमान होकर होली के रंग का आनंद देखने लगी। अवसर देखकर ठाकुर जी महाराज के स्वरूप छैल छबीले छोटे बालक श्री दान बिहारी जी भला कब छुपने वाले थे, छोटे से बाल स्वरूप थे वो। चुपके से छत पर पहुंचकर किशोरी जी के ऊपर रंग छोड़ दिया, परंतु शिव जी की सखियां भला कब मानने वाली थी। उन्होंने तुरंत उनको पकड़ करके किशोरी जी के सामने उपस्थित कर दिया। फिर तो किशोरी जी ने अपना बदला साध लिया खुद ही, अंत में समयोचित सत्कार करके उन्होंने बहुत प्यार दुलार के साथ छोड़ा, बाल स्वरूप थे वो। सायं 4:30 बजे के लगभग बरसाना के पंडा भी होली खेलने के नंदगांव पहुंच गए और उचित सत्कार पाकर के मंदिर पधारे। विविध प्रकार के पदों को गाते हुए वहां पृथक पृथक अनेक प्रकार के रंगों की होली खेलने लगे। गोधूल के समय नंदगांव की गोपियों ने भी बरसाने वाले सखाओं के साथ वही लठमार होली प्रारंभ की। इस प्रकार किशोरी जी भक्तों को नंदगांव की होली का भी आनंद प्रदान करके 8:30 बजे रात में वापस बरसाना पधारी। और भक्तों फिर उसके बाद किशोरी जी गिरिराज जी पधारी, मानसी गंगा में आचमन करके श्री मनसा देवी, हरदेव जी, गिरिराज जी तथा वैकुंठ मंडप हो करके श्री नारद कुंड, मानसरोवर, उद्धव आश्रम एवं श्याम कुटी का दर्शन करके श्री राधा कुंड पधारी। कुसुम सरोवर भी बीच में पड़ते वक्त वो श्री राधा और कृष्ण नाम के दोनों पवित्र जो कुंड हैं राधा कुंड में, वहाँ स्नान करके माता ने फिर बिरला मंदिर का दर्शन किया और किशोरी जी 4:30 बजे वापस वृंदावन पधारी। और भक्तों किशोरी जी ने श्री आनंदमयी माँ के आग्रह से, आप समझ लो किशोरी जी की महिमा कितनी थी, मैं आनंदमयी माँ का चरित्र आपको सुना चुका हूँ भक्तों। वही आनंदमयी माँ बड़ा प्रेम आग्रह की किशोरी जी के साथ, बहुत प्रेम के आग्रह से उनको अपने आश्रम में ले आई किशोरी माता को।
और पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के आग्रह से उनका बहुत संक्षिप्त चरित्र मैंने सुनाया है, जो प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्र उनके शारीरिक नहीं थे, बचपन में ही चले गए थे, अंदर से ज्ञान बहुत था, बहुत सच्चा ऊंचा ज्ञान था। दोहा चौपाई श्लोक आज भले नहीं याद थे, लेकिन अनुभव का ज्ञान था उनको। तो महाराज वो बिल्कुल बगल में ही आश्रम है उनका, आनंदमयी माता के आश्रम के बगल में है शरणानंद जी का आश्रम। तो उनके आग्रह से मानव सेवा संघ आश्रम जो है शरणानंद जी का, उसका नाम है मानव सेवा संघ। तो उस आश्रम में प्रसाद पाने की किशोरी माता ने कृपा की, क्योंकि ये लोग भी बहुत अच्छे संत थे, भक्त आनंदमयी माता और शरणानंद जी महाराज, इन लोगों का बहुत भावपूर्ण प्रेमाग्रह था कि आप माता किशोरी जी कृपा करके यहाँ भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करिए। तो भक्तों इस वर्ष अर्थात 1959 की बात है, भगवान की असीम कृपा से वृंदावन धाम में श्री उड़िया बाबा के स्थान पर श्री गौरांग महाप्रभु की पाप ताप पीड़ित जनोद्धारिणी परम मंगलकारिणी लीलाओं के अवलोकन का स्वर्णिम अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। अब शरीर से तो उड़िया बाबा नहीं थे, 10 साल पहले जा चुके थे, लेकिन उनका आश्रम तो आज भी है भक्तों, अब तो जीर्णोद्धार हो गया। तो लोक कल्याणार्थ महाप्रभु ने अद्भुत विलक्षण भाव से अवतार लेकर के श्रीपाद नित्यानंद जी की जो कीर्तन की लीला होती थी उसमें विरोधी लोग बाधा डालते थे, तो नित्यानंद को विरोधियों के सभी प्रकार के आक्षेपों को सहन करते हुए श्री हरि कीर्तन यज्ञ प्रचार की आज्ञा प्रदान की कि आप कीर्तन करिए, विरोध को तो सहना पड़ेगा। और महाराज जगाई मधाई के द्वारा श्रीपाद नित्यानंद जी के सिर पर प्रहार करने का समाचार सुन करके आवेश में आ गए महाप्रभु जी और सुदर्शन चक्र को बुलाने लगे। किंतु श्री नित्यानंद जी ने जब निवेदन किया, प्रभु प्रभु मधाई ने तो हमें जगाई से बचाया है, इतना सुनते ही किस प्रकार करुणा द्रवित होकर तुरंत मधाई को हृदय से लगा करके उसे अपने मुरली मनोहर रूप का दर्शन कराते हैं प्रभु। परंतु भक्तापराधी जगाई को अपना चरण स्पर्श भी करने न दे करके अनंत समय के लिए घोर नरक की यातना प्रदान करते हैं। दया परवश श्रीपाद जी अर्थात नित्यानंद जी महाराज जो थे उद्धार की इच्छा से जगाई को भी हृदय से लगाते हैं, तब प्रभु भी उसको हृदय से लगाकर अपनी विलक्षण भक्तवत्सलता का महान परिचय देते हैं और संकल्प करा के उसके संपूर्ण पापों को स्वयं पी जाते हैं। इतनी उदारता और कुछ विरोधी कर्मकांडी पंडितों के बहकाने से जब काजी कीर्तनकारियों के साथ अनेक प्रकार का अत्याचार करने लगा, तब प्रभु अपने भक्तों को क्या अद्भुत गंभीर वाणी से, मेघ गंभीर वाणी से आश्वासन प्रदान करके उसे सोते समय रात्रि में नरसिंह रूप दिखाकर भयभीत कर दिया काजी को। और दूसरे दिन प्रातः द्वार पर निर्भीकता पूर्वक कीर्तन करके उसका उद्धार किया। भक्तों ये लीला महाप्रभु चैतन्य की थी, वही लीला यहाँ श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने को मिली।
जब देखा गृहस्थ आश्रम में रहने पर मेरे उपदेशों का पूर्ण प्रभाव जनता पर नहीं पड़ रहा, तब किस युक्ति से उन्होंने अपनी वृद्धा माता से संन्यास की आज्ञा प्राप्त की और विष्णु प्रिया जी के कक्ष में जाकर अत्यंत वचन चातुरी द्वारा जन कल्याणार्थ जब उनसे संन्यास लेने की अनुमति मांगी, तब विष्णु प्रिया जी धैर्य धारण करके बोली, विष्णु प्रिया माता धैर्य धारण करके बोली, प्यारे मैं आपकी इच्छा में बाधक नहीं बनूंगी, परंतु आपकी वयोवृद्धा माता जी का और मेरा तथा आपके भक्तों का सारा जीवन रोते रोते ही बीतेगा। प्रभु बोले, ठीक है, आप और माता जी जीवन भर घर में रोएं, मैं वन में रोता रहूंगा तथा सभी भक्त घर घर में रोते रहेंगे, तभी तो प्रभु के प्रेम का समुद्र उमड़ कर दसों दिशाओं को पावन बना सकेगा। क्या ही अद्भुत भाव है भक्त, चिंता मग्न श्री विष्णु प्रिया जी को अपनी स्नेहमयी वार्ता द्वारा किसी प्रकार धैर्य बधा करके वे सो गए। पुनः प्रातः काल से कई दिनों तक नई नई आश्रित विनोदनी लीलाएं करते रहे, जिससे भक्तों के हृदय में प्रभु के संन्यास लेने की योजना विस्मृत हो गई। गृह त्याग के दिन भक्तों को अनेक प्रकार का अविस्मरणीय सुख प्रदान करके श्रीवास जी के यहाँ खूब कीर्तन का आनंद बरसाया प्रभु ने, और फिर अपनी भोजन लीला द्वारा सची माँ को वात्सल्य सुख प्रदान किया, फिर अपने शयन कक्ष में पधारे। 14 वर्ष की अवस्था वाली अपनी अर्धांगिनी श्री विष्णु प्रिया जी के साथ अर्धरात्रि पर्यंत अत्यंत प्रेममय वार्तालाप करते हुए उनके पास सो गए प्रभु। निद्रा देवी द्वारा विष्णु प्रिया जी को अभिभूत करा के किस प्रकार उनके पास ही धीरे धीरे अपना पूर्ण श्रृंगार उतार करके निकल भागते हैं, वह दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। किस प्रकार प्रातः समय प्रभु को खोजने में भक्तों की व्याकुलता हुई, लोग आर्तनाद करते हुए रो रहे थे और खोज रहे थे। किस प्रकार प्रभु ने श्री भारती महाराज से दीक्षा ग्रहण की, ये सभी घटनाएं एक से एक विलक्षण है महाराज। अद्भुत प्रेम और प्रेम की पीड़ा से व्याकुल करने वाले ये सारी लीलाएं हैं श्री वृंदावन धाम में किशोरी माता के साथ भक्तों ने दर्शन किया, और उसके बाद भक्तों फिर गंगापुर ले जाने के लिए प्रेमी भक्त उपस्थित हुए, किशोरी माता गंगापुर पधारी। उनकी इस अनुपम कृपा को देख करके भक्त लोगों को बड़ा संतोष हुआ, प्रसन्नता हुई, और रंग पंचमी के दिन किशोरी जी ने गंगापुर के भक्तों को होली का महान आनंद प्रदान किया। रात्रि में प्रार्थना पश्चात किशोरी जी बोली, भाइयों तथा बहनों, आज के दिन सदा सर्वत्र सब ओर से होली है, होली है, यही शब्द सुनाई देता है, परंतु कहने और सुनने वाले कोई भी ध्यान नहीं देते कि होली का अर्थ क्या है, किसकी मती किसकी होली है, और जिस आनंद में इतना रंग और अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, ये होली महोत्सव वस्तुतः प्राणियों की बुद्धि को भगवान की सिद्ध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बद्ध जीवों की होली से निमित्त नहीं। वास्तव में यह होली महोत्सव उसी का सार्थक है,
जिसकी मति उस दिन से अटल रूप से भगवान की हो ली हो। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपकी मति यदि भगवान की हो ली तो आपकी होली हुई। यदि अभी तक अपनी मति भगवान की दासी नहीं हो पाई तो अगले वर्ष तक हो जाने के लिए भगवान से हार्दिक करुण पुकार करते रहो, छटपटाते रहो कि कब मैं अपनी मति को भगवान की होली ऐसा बोल पाऊंगा। कारण जिसकी मति भगवान की हो चुकी है उसी भाग्यशाली का होली महोत्सव सार्थक है। अन्यों का तो वो दिन केवल कालिमा पोतने का, कीचड़ पोतने का दिन होता है। प्रेम के रंग को ऐसे भगवान के होली, भगवान की मति, मारी मति भगवान की होली, होली है हमारी मति भगवान की होली है, इस खुशी में जो प्रेम का रंग डाला जाता है उस होली में सच्चाई है। और हमारी मति भगवान की नहीं होली तो फिर केवल कीचड़ पोतने से या कालिक काला रंग मुंह पर कालिक पोत लिया, कीचड़ पोत लिया, कपड़े में खूब ज़्यादा ज़्यादा कीचड़ और काला और मैं छूटने वाले गंदे रंग डाल लिए और मति को तो भगवान की नहीं होने दिया। हमारी मति भगवान की नहीं होली, संसार की होली है। तो पूरा होली का त्यौहार सार्थक नहीं हुआ। भक्तों, गंगापुर के एक नाजिम शर्मा साहब थे जो बहुत ही भक्ति भाव वाले मजिस्ट्रेट थे। तो वो अपने अधिकारियों के साथ माता किशोरी जी के दर्शनार्थ वीर जी आश्रम पर, वो वीर जी नाम का विश्राम घर था, गेस्ट हाउस, वहाँ सत्संग में आए। माता का सत्संग था उस जगह। और भक्तों, पहले भी पधारे थे एक बार वो, उस समय गुरुदेव भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान थे, गुप्तार पार्क फैजाबाद में एक छोलदारी में निवास करते थे। छोलदारी आप समझ लीजिए टेंट जैसा। तो महाराज जी जाड़े में छोलदारी में रहते थे और टाइम में घास के कुटिया में वहीं वट वृक्ष के नीचे, तो वहाँ उन्होंने भी दर्शन किया था ये मजिस्ट्रेट ने। तो एक दिन वे उनके दर्शनार्थ श्री अयोध्या जी से वापसी तांगे द्वारा आए, किंतु गुरुदेव जी के सत्संग से प्रभावित हो 3 दिनों तक अपने सीमित साधारण वस्त्रों से ही निर्वाह करके दोनों समय सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहे। उनकी चर्या बहुत ही भक्तिमय थी। श्री कार्तिकेय जी महाराज ने भी बड़ा संतोष व्यक्त किया था उनका भक्तिभाव देखकर। किशोरी जी भी राजमंदिर गुप्तार घाट पर विराजती थी। सायंकाल विश्व कल्याण की प्रार्थना राजमंदिर के बड़े बुर्ज पर होती थी। राजमंदिर भक्तों बहुत बड़ा सा प्राचीन मंदिर है, माता वहाँ रहती थी और भगवान जो गुरुदेव थे वो तो जब विराजमान थे 1953 के पहले की बात, तो वही वट वृक्ष के नीचे ही रहते थे, वो किसी भवन में नहीं निवास करते थे। और उन दिनों
विश्व कल्याण की प्रार्थना राज मंदिर के बड़े बुर्ज पर होती थी। उस समय नाजिम साहब ने जो मजिस्ट्रेट थे ना, जो गंगापुर के, मैंने बताया था अभी आपको, किशोरी जी के मुखारविंद से एक कीर्तन सुना था जिसका एक चरण था, प्याला हरि नाम का तू पिए, प्याला हरि नाम का तू पिए जा पिलाए जा, प्याला हरि नाम का तू पिए जा पिलाए जा, प्याला हरि नाम का तू पिए जा पिलाए जा। अब माता के गाने में तो प्रेम बरसता था भक्तों में, तो महाराज वो पीला दुपट्टा भी अभी तक याद था उनको, मजिस्ट्रेट साहब को, कि किस तरह से माता ने प्रेम दान किया था भक्तों को। मातेश्वरी किशोरी जी के पीले दुपट्टे से शंकित होकर के उन्होंने कुछ बातें पूछी थी। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि माता जी बहुत वर्षों से गुप्तार घाट फैजाबाद में निवास करती हैं, तब उन्होंने गुप्तार घाट फैजाबाद में महर्षि के दर्शन और कीर्तन में प्याला हरि नाम का तू पिए जा पिलाए जा इस पद के श्रवण करने की चर्चा भी की थी। माता में कितना भाव, कितना प्रेम। उस भाग्यशाली मजिस्ट्रेट से, उस भक्त मजिस्ट्रेट से माता ने प्रभु की प्रीति के साथ उपदेश करते हुए जो बातें बताई थी बड़ी रसमयी थी, उनकी चर्चा मैं कल करूँगा भक्तों। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, श्री राधे।